बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्राम टुनाइट टॉक ऑन आवाज़ एंटरटेनमेंट। आई एम योर होस्ट रिजवान असलम। नाजरीन, आपको पता है कि ऑन्टारियो के अंदर दोबारा से कुछ नए मैस जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए हैं, उसमें यह हुआ है कि जो COVID-19 केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यह कि जो इनडोर पहले जो एक परमिशन थी कि 50 लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन अब जो नए मैस आए अकॉर्डिंग टू न्यू मैस सिर्फ 10 लोगों की इजाज़त है, और आउटडोर जो इवेंट होगा उसमें तकरीबन 25 लोगों की इजाज़त है। तो मुझे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट कलीद रशीद, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मिसिसागा ईस्ट कोक्सविल से मेंबर हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल उनके सामने रखेंगे और जवाब आपके आपकी नज़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कलीद भाई। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कलीद भाई, थैंक यू वेरी मच। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी, यू आर इन मीटिंग राइट नाउ, और आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कलीद भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताइएगा कि COVID-19 के केसेस जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए हैं दोबारा से, और इसमें जो न्यू इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं, हमने देखा है कि उसमें तकरीबन 10 लोगों की परमिशन दी गई, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप डिटेल अगर आपके पास है वो बता दें, और साथ में ये भी इसके साथ ऐड कर लें क्वेश्चन के गवर्नमेंट को इस चीज़ का पहले से मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये केसेस दोबारा से इंक्रीज हो सकते हैं, फिर उन्होंने अंटारियो को जो है वो स्टेज 3 में लेकर गई गवर्नमेंट, तो अगर पहले से ये अगर स्टेज 2 में होता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? जी बिल्कुल रिजवान भाई, तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करा कि जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, आज देखें तो तकरीबन हम लोग 400 से ऊपर नंबर्स जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम कोई डेथ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेथ नहीं हुई है, और ये कि सिर्फ ये जो केसेस हैं ये सामने आए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है वो ये कि जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो भी अब तकरीबन 30,000 प्लस के करीब चले गए हैं। अगर आपको याद होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो जो नंबर ऑफ केसेस थे वो 400-500 के करीब थे, लेकिन उनमें जो टेस्टिंग हो रही थी वो तकरीबन 8,000-10,000-12,000 के करीब रोजाना की टेस्टिंग हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही, जो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो भी अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 200% ऊपर चले गए हैं, यानी कि रफली अबाउट 30,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा नंबर है सर। जी हाँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नंबर जो है टेस्ट का वो 50,000 के करीब इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज में 50,000 के करीब हम चेक कर लेंगे। लेकिन रिजवान भाई, बात दरअसल ये है कि हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि वी कैन एक्सपेक्ट ए सेकेंड वेव, आपके शो पे भी मैंने ये बात कही थी, बिल्कुल। और उसकी वजह ये थी कि हम लोग को ये था कि लोग जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि देखें, अभी भी हमारा प्रोविंस जो है वो स्टेज 3 में है, बिल्कुल सही, अभी हम आगे स्टेज 4, 5, 6 में भी नहीं गए हैं, लेकिन क्या है कि चूंकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ जो हमारे प्रोविंस के हैं, उनके पास रोजाना के हिसाब से नंबर्स आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, और उसमें जो हम एक अपटेक देख रहे थे वो हम देख रहे थे इंडिविजुअल्स अंडर एज ऑफ 14 में। जाहिर सी बात है कि देखें जब हमने स्टेज 3 को ओपन करा, ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ऑन्टेरियंस के लिए लगाई गई थी, और जो ये लिफ्ट हो रही थी इसका ये मतलब नहीं था कि लोग जो हैं वो मतलब अगर आप एक महीने दावत नहीं करेंगे या अपने घर में नहीं करेंगे तो खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लोगों ने क्या करा कि हमने इवन तो हमने कहा कि आप 50 लोग घर में रख सकते हैं, लोगों ने 100-100 लोग अपने घरों में बुलाने शुरू कर लिए। बिल्कुल, उसकी वजह से क्या हुआ कि देखें क्वेश्चन आता है कि जी आप लोग ने रेस्टोरेंट्स को क्यों नहीं बंद करा या रेस्टोरेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई, और क्या वजह है कि आप लोग घरों में जो सोशल गैदरिंग हो रही है, प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं घरों में, आप लोगों ने वहां पे क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई? उसकी वजह ये है कि अगर आप जानिए अभी भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहां पे तकरीबन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। जब आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो सोशल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे होते, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। बिल्कुल देखा है, ये मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस किया है, और बाहर भी मार्केट्स के अंदर में मैंने देखा है कि बड़ा कम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, और स्पेशली ये जो मास्क है उसको भी नहीं पहना जा रही है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।
अब देखिए ना रिजवान भाई, अगर गवर्नमेंट ने आपसे एक रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है, आपका काम है कि एज अ होस्ट जो है आप उसको फुलफिल करें। बिल्कुल अब सही। अगर लोग फुलफिल उन चीजों को नहीं करें तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे? बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्वेश्चन सर ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जब अंडारियों को स्टेज 3 में डाला जाएगा तो एकदम लोग घरों से बाहर निकल आएंगे, पार्टियां शुरू हो जाएंगी और इसी तरह रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी लोग जाना शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब उनको आइडिया तो हुआ होगा गवर्नमेंट को। देखिए रिजवानी, बात ये है कि जो 99.9% जो लोग हैं ना जी इस प्रोविंस के, वो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग और इन सब रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली गाइडलाइंस को, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम ये एक अपडेट देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस के अंदर। बिल्कुल। अब हम लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई है, और अगेन देखें, हम जो भी करते हैं, ये बात प्रीमियर ने डे वन से कही थी कि जो चीज हम प्रीमियर को पता चलेगी, कॉकस मेंबर्स को पता चलेगी, एमपीपीस को पता चलेगी, वही चीज जो है पब्लिक को भी पता चलेगी। ठीक है, इस बात से तो आप लोग एग्री करते होंगे कि हमने अब तक हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारे पास जो नई इंफॉर्मेशन आई चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ जो टोरंटो के हैं, जो ऑन्टेरियो के हैं, डॉक्टर डेविड विलियम, उन्होंने हमें कहा कि ये जो सोशल गैदरिंग हो रही है, प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं, इनकी वजह से जो है ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और ये लोग, इनके पास डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें फॉरन से ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी कुछ रीजन के अंदर, और राइट अवे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे प्रीमियर ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम ये नए रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहे हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है अगेन वर गिवन टू अस, जो भी हम ये नई रिस्ट्रिक्शन लेकर आए हैं नंबर ऑफ पीपल की और लिमिटेशन, ये सभी सब जो है दे आर गिवन टू अस बाय द चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस। बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल, हमने देखा है कि कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा जो केसेस है वो क्यूबेक के अंदर है, 66,000 प्लस, और अंडारियो के अंदर सेकंड नंबर पे अंडारियो आ रहा है, तकरीबन 45,000 जो है वो केसेस हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो स्टेज 3 में अंडारियो गया था, शुड वी एक्सपेक्ट के अगर ये केसेस इसी तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते रहे तो गवर्नमेंट वो स्टेप भी ले सकती है कि स्टेज 2 में वापस ले अंडारियो को? देखिए नथिंग इज ऑफ द टेबल, लेकिन प्रीमियर ने ये बात कही है, और देखिए जब चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं तो प्रीमियर उनके साथ, हम देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता हम लोग रिकवरी फेज में हैं, इट विल बी वेरी वेरी लास्ट, एब्सोल्युटली लास्ट रिजॉर्ट कि अगर अल्लाह ना करे कि हमें वापस उस स्टेज पे जाना पड़े, लेकिन अभी फिलहाल अभी हमारी कोशिश ये है कि जो नई रिस्ट्रिक्शन हम लेकर आ रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या नंबर की सिचुएशन है और फिर उस लिहाज से फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन अगेन जो भी डिसीजन होंगे वो बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर। अच्छा ये बताइएगा कि स्कूल्स भी खुल गए हैं तो वहां पर भी इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद मे भी केसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएं, तो स्कूलों के लिए भी कोई आपकी तरफ से मैयस आने वाले हैं आगे या क्या सूरत हाल है? देखिए फिलहाल तो अभी जो हमारे जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस स्कूल्स के साथ हैं, जितनी भी हमने फंडिंग हम लोगों ने करी है, अगेन आई थिंक जो स्कूल्स है वो हमारे तमाम मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। तो अगेन इट्स ऑन लाइक समवॉट लाइक डेली बेसिस पे चीजें हो रही देखी जा रही है। बिल्कुल सर। अच्छा कलीर भाई, मुझे बीच में बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मैं कॉल्स नहीं ले पा रहा क्योंकि आपके पास बड़ा शॉर्ट टाइम है, नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाद में कॉल कर लीजिएगा और आपको इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन लेके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ, इसीलिए सर मैं कॉल्स नहीं ले रहा, मैं नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दोबारा से कॉल कर लीजिए, क्वेश्चन आपके जो भी होंगे मैं ले लूंगा इंशाल्लाह ताला कलीद भाई से पूछकर नेक्स्ट शो में आपके सामने मैं रख दूंगा। अच्छा कलीद भाई, मूविंग फॉरवर्ड, ये बताइएगा कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमारी बॉर्डर्स भी अभी तक बंद हैं, तो इसका मतलब कि ये जो केसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बॉर्डर्स अभी क्लोज ही रहेंगी, वो खुलेंगी नहीं? देखिए हमने तो अभी तक यही रिक्वेस्ट करी है फेडरल गवर्नमेंट से कि बॉर्डर्स को ना खोलें, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस आप यूएस में देख रहे हैं या मतलब नॉर्थ जो साउथ साइड पे आप देख रहे हैं वो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं,
बिल्कुल सर, यही रिक्वेस्ट है, आगे फेडरल गवर्नमेंट इज डूइंग देयर पार्ट एंड आई वुड कमेंड द फेडरल गवर्नमेंट फॉर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब इन मेकिंग श्योर दैट वी आर ऑल वर्किंग एज अ पार्टनर। बिल्कुल सही है। अच्छा कलीद भाई, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। कलीद भाई ने एक मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक बिल टेबल किया है, वो बिल 154 बिल था, वो स्कूल्स में जो बच्चों के साथ जो बुलिंग होती है या आम हालात में भी जो बुलिंग होती है, स्पेशली जो साइबर बुलिंग होती है, जो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बुलिंग की जाती है, चाहे उस ट्विटर की आप बात कर लें, चाहे फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर आप बात कर लें, तो इन सब जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जो लोगों को हरास किया जाता है या इंटिमिडेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट एक बिल जो है वो कलीद भाई ने टेबल किया है असेंबली के अंदर। अभी वो उस बिल की हम इनसे तफसील पूछने की कोशिश करेंगे कि वो बिल कौन से स्टेज में है, कब पास होकर बड़ा ज़बरदस्त ये बिल इन्होंने पेश किया, हम इनको इस बात पे जो है वो मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कलीद भाई, इसकी तफसील बताइएगा हमारे नाज़रीन को। रिजवान भाई, बेसिकली बैक इन दिसंबर मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था, स्टॉप साइबर बुलिंग डे एक्ट इन ऑन्टेरियो, जो कि बेसिकली एवरी ईयर थर्ड फ्राइडे इन जून जो है, बेसिकली इट्स मोर टूवर्ड्स एन एजुकेशनल बिल। तो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो गया है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रॉयल असेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जून से जो है साइबर बुलिंग डे, स्टॉप साइबर बुलिंग डे एक्ट इन ऑन्टेरियो जो है वो मनाया जाएगा। उसमें ये है कि जो मेरी कोशिश थी कि एज अ फादर ऑफ फोर चिल्ड्रन, मेरा ये हमेशा से राय है कि जो साइबर बुलिंग है इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर मेंटल हेल्थ। और देखें, काफ़ी लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि बुलिंग की वजह से unfortunately they are committing suicide as well too. Very right. So as a legislature, it is my responsibility, and as a father it is my responsibility to make sure that no other child commits suicide. So basically ye jo bill hai, it's something where on the third Friday of June we are going to go out there, educate children, educate individuals and explain to them the negative effects of the bullying. Bilkul. And the goal is that inshallah that you know eventually like you cannot stop bullying 100%, but I think if you can save one life that's a huge accomplishment in itself. बिल्कुल सर, हमने ये भी देखा है कि फेसबुक के ऊपर भी लोगों को बुलिंग किया जाता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपकी जो एक जो इज्जत होती है माशरे के अंदर, जो आपकी रिस्पेक्ट होती है, तो उसको बड़ा बैडली हिट किया जाता है। तो फिर वो अल्टीमेटली आपने जो बात की कि बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े भी हैं उनको भी समटाइम इस स्टेज पे लाया जाता है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बिल का जो है आप ये बताएं कि ये बिल का प्रोसीजर क्या है, ये बिल आपने टेबल किया है, फिर जो हाउस के जो मेम्बर्स हैं तो उन्होंने इसके ऊपर कोई वोटिंग करनी है या वोटिंग हो गई है क्या? वोट हो गई है, बिल पास हो गया। अच्छा, बिल पास हो गया। या सिर्फ जो जब बिल पास होता है तो उसके बाद एक उस पर रॉयल असेंट होता है जो कि ऑफिशियल एक स्टैंप लगती है। बिल्कुल सही। दैट शुड बी डन इन अबाउट अ वीक और सो। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको कि आपने बिल पास करवा लिया। अच्छा, ये यूनानिमसली पास हुआ या कुछ मेंबर्स ने इसको अपोज भी किया है? नो, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज पास यूनानिमसली। वेरी नाइस जी। वेरी नाइस। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमने देखा है कि अंटारियो जो है, सिर्फ ओनली अंटारियो, उसमें तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स जो है मतलब लोगों ने जो है वो खोई है। रिजवान भाई, आई एम सो सॉरी, आई सिंसियरली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक टू यू इंशाल्लाह टुमारो, इफ यू आर डूइंग अ शो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक विद यू। It's just that I'm on sir, ये आखिरी क्वेश्चन है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है। The call is actually about the uptake in cases right now, so I just don't want to miss that call. But चलें. As a respect, I just did not want to disappoint you. No problem. Next show में इंशाल्लाह ताला हम आपको Zoom पे लेंगे, डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। So thank you so much, आपने ज्वाइन किया टेलीफोन। Apologies to you, Rizwan bhai, and my sincere apologies to all your viewers. No problem. This is something not in my hand right now. नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया, मीटिंग से उठ के आप आए हुए हैं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे आपको दोबारा से हम वीडियो कॉल पे लें। थैंक यू वेरी मच जी। Thank you.
ये हमारे साथ कलीद रशीद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इनसे हमने कुछ क्वेश्चंस इनके सामने रखे कोविड 19 के हवाले से, और मुझे बीच में बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली मैं कॉल नहीं ले सका क्योंकि उनके पास टाइम बड़ा शॉर्ट था, अगर कॉल लेता तो फिर वो उसका आंसर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे पास भी एक काफ़ी लंबी लिस्ट थी क्वेश्चंस की। तो नाज़रीन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद फिर मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ और भी गेस्ट होंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे टोटल जो कनाडा के अंदर कोविड 19 के जो केसेस हैं वो तकरीबन 140,000 से क्रॉस कर चुके हैं, और सिर्फ अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो उसमें 45,676 टोटल केसेज हैं, और इसी तरह क्यूबैक के अंदर, क्यूबैक टॉप के ऊपर है और प्रोविंस भी बड़ा है, 66,356 जो है टोटल केसेज वहाँ पर हैं। तो ये कुछ अपडेट थी, और इसके मैं वापस जब ब्रेक से वापस आऊँगा मेरे साथ जो डॉक्टर नवीद होंगे कैलगरी से, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में प्रोफेसर भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे, बाकी जो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिबेट करेंगे, मेरे साथ रहिएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक से वापस आता हूँ। चार बजे देखिए आपका किचन विद शहबाज गोरी, सुबह 5 बजे देखिए सितारे और हम, 5:30 बजे देखिए मैसेज ऑफ मर्सी, शाम 6 बजे देखिए दीन और दुनिया, इस्लाम इन मॉडर्न टाइम मजर अयूब के साथ देखिए हर मंगल शाम 6 बजे और हर जुमा शाम 5 बजे, थिंक अबाउट इट सलमान कुरैशी के साथ हर मंगल शाम 7 बजे, रियलिटी कॉफी टॉक ताहिर कुरैशी के साथ देखिए हर जुमेरात 7 बजे, टुनाइट टॉक रिजवान असलम के साथ हर जुमे को 7 बजे, देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ रोज रात 9 बजे, आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। कनाडा की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, देखें और रहें बाखबर। सियासत हो या खेल का मैदान, मईशियत हो या इंसाफ का फगदान, दुनिया चार की खबरें और तबसरे देखिए आपके अपने चैनल आवाज न्यूज पर, सिर्फ आपके अपने चैनल आवाज न्यूज पे। Dame Drops told us how good Popeye's buttermilk biscuit shrimp is without us even asking. Mmm, so crunchy, buttery, just like those biscuits. Are you hungry yet? 8 shrimp, a side and a biscuit for just $6.99. At KN9000, sang about Popeye's buttermilk biscuit shrimp because he was feeling it. Shrimp, 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 shrimp. Shrimp, 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 shrimp. 8 shrimp, a side and a biscuit for just $6.99. कनाडा की आवाज, पाकिस्तान की आवाज,
देखें और रहें बाखबर। सियासत हो या खेल का मैदान, मईशियत हो या इंसाफ का फुकदान, दुनिया जहां की खबरें और तबसरे देखिए आपके अपने चैनल आवाज न्यूज पर, सिर्फ आपके अपने चैनल आवाज न्यूज पे। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक ब्रेक के ऊपर थे तो ब्रेक से वापस आए। हमें डॉक्टर नवीद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, कैलगरी से न्यूरो साइंटिस्ट हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में प्रोफेसर भी हैं और उनकी बड़ी अच्छी गिरफ्त है मेडिसन्स के ऊपर भी, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रही हैं दुनिया के अंदर उसके ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। हम थोड़ी सी गुफ्तगू उनके साथ जो है पॉलिटिक्स के हवाले से भी करेंगे। US के अंदर जो रिसेंट अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं आगे, उन इलेक्शंस के ऊपर भी उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि US के जो इलेक्शंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के ऊपर, स्पेशली कैनेडा के ऊपर। अच्छा नाज़रीन, हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, COVID-19, मेरे साथ जो है वो कलीद रशीद साहब लाइन पर थे तो उन्होंने कुछ गुफ्तगु की और उन्होंने बताया कि वापस जो है वो हमारे सामने टेबल के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर केसेस इसी तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहे तो हम अंटारियो को Stage 3 से वापस Stage 2 में भी लेकर आ सकते हैं। एक तो ये चीज़, सेकेंडली आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की वजह से कनाडा के अंदर बहुत सारे लोगों ने जॉब्स जो है वो अपनी लॉस की हैं, उसमें जो है वो सिर्फ अंटारियो की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन जो लोगों ने अपनी जॉब्स को लूज़ किया है, और इसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो अंटारियो का सिर्फ जो परसेंटेज थी अनएम्प्लॉयमेंट की वो अगर मैं मई की बात करूँ, मई 2020 की, तो 13.6% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अंटारियो के अंदर। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज़ हुआ रेट, वो फिर कुछ जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई तो 12.2% के ऊपर ये रेट आया। अच्छा उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर जो अभी कोरोना वायरस के जो टोटल केसेज हैं वो तकरीबन 30 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, और जो डेथ्स हुई हैं वो तकरीबन 1 मिलियन के लगभग जो है वो डेथ्स हुई हैं, 1 मिलियन के करीब लोग लुकमय अजल बन गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। उसमें से कुछ लोग जो है वो 30 मिलियन में से कुछ लोग तकरीबन 22 मिलियन मेरे ख्याल से रिकवर भी हुए हैं, एज़ पर जो वर्ल्डोमीटर जो मेरे सामने स्टैट्स हैं वो स्टैट्स देख कर आपको बता रहा हूँ। अच्छा कनाडा के अंदर जो हमारे जो टोटल केसेस है वो 140,000, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये टोटल केसेस थे, और अंटारियो के अंदर 45,000 केसेस थे, क्यूबेक के अंदर 66,000 केसेस थे, और BC की अगर हम बात करें तो 7,600, अल्बर्टा की अगर बात करें तो उसमें 16,000 केसेस थे, सस्केचवन में 1700 ऑलमोस्ट 1700 प्लस, और मैनिटोबा के अंदर 1500। तो ये सारे कुछ स्टैट्स थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं। मुझे डॉक्टर नवीद साहब लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप लाइन पे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल जा रहा है, थैंक यू सो मच सर आपने हमें वक्त दिया। सर क्या हालात हैं कैलगरी के, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलगरी में। जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ कट के आ रही है। अच्छा अभी देखें आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैलगरी के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारे अंटारियो के अंदर केसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस कुछ जो उनको जो नंबर ऑफ पीपल इनडोर के लिए जो उन्होंने नंबर पहले दिए थे वो तकरीबन 50 लोग इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन उसको रिड्यूस करके 10 के ऊपर वापस लेकर आ गई है गवर्नमेंट, और इसी तरह आउटडोर जो है वो 100 थे तो उसको रिड्यूस करके 25 के ऊपर लेके आए। तो कैलगरी की क्या सूरत हाल है, या अल्बर्टा की अगर ओवरऑल बात करें तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही है, अगर आप आबादी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें जी, तो हमारे यहाँ ये कि 500 सम केसेस हुए थे, वो स्कूल की वजह से खुलने की वजह से, फिर हमारे जैसे वर्क के ऊपर यूनिवर्सिटी में अक्सर चीजें स्टूडेंट्स वो अभी ऑनलाइन हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले 25% की कैपेसिटी की लैब में ऑफिस में बिल्डिंग में इजाजत थी, वो इन्होंने इंक्रीज करके 50% की है, और उसके लिए यह है कि आपको कोई डेजिग्नेटेड किसी को वो नहीं बताना पड़ता कि हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ की सूरत हाल देखिए वैसी ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैड ओनली वन डेथ, वी हैव अबाउट 30 पीपल हु आर इन द इंटेंसिव केयर और हॉस्पिटल में, ऐसे ही है तकरीबन कोई 30-35 के करीब लोग, तो सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन ये कि अभी स्कूल ओपन ही हुए हैं तो इट्स टू अर्ली टू से। सही। वैसे फिर हमारे जी गवर्नमेंट ने भी जो है थोड़ा सा सख्त स्टैंड लिया है कि
हम लोग जो है वो फेज टू में नहीं जाएंगे, वी विल स्टे पुट, स्टे कोर्स एंड सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो है वो मतलब मार्केट्स के अंदर अगर हम देखें तो उस तरह से केयर नहीं की जा रही, उस तरह से कुछ मैंने देखा है मास्क भी नहीं पहने जा रहे और ओपन पार्टीज वगैरह भी हो रही हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स केसेस तो बढ़ने ही थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के ये बताएं कि ये जो कोरोना वायरस से ये जो डर है, ये खौफ है, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मार्केट के अंदर वैक्सीन नहीं आ जाती। अब सब लोगों की नज़रें जो है, चाहे आपकी कंट्रीज़ की बात करें या लोगों की इंडिविजुअली बात करें, सारे लोग वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं कि वैक्सीन कब मार्केट के अंदर आएगी ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो बताएं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और लोग जो है ट्रैवल करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हैं, वो ट्रैवल नहीं कर रहे। तो वैक्सीन के बारे में अगर आपके पास कोई अपडेट हो। देखिए, वैक्सीन का ये कि कई कंपनियां जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं और उनकी कोशिश है, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वैक्सीन के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ आपको लोग चाहिए जो क्लिनिकल ट्रायल फेज थ्री के लिए। उसमें देखिए अब 97% लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, सही। तो उनको ना तो सिम्टम्स हैं, उनके पास ना सिवियरिटी है डिजीज की, तो अगर उनको इन्होंने चूज करके जो वैक्सीन की टेस्टिंग की है तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव एंड एफिकेशियस। और दूसरी बात देखिए कि ये जो सीजन जो आ रहा है, ये सीजन फ्लू का सीजन है, तो हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है ये फ्लू का जो वायरस है, इट मे फाइट बैक कोरोना वायरस, वो खुद ही जो है ना उसका सत्यभाव हो जाए, इलाज हो जाए। लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेशन अब फ्लू की वजह से और भी बढ़ जाएंगी, और फिर अगर आपने वैक्सीन किसी को दे भी दी और अगर उनको फ्लू के सिम्टम्स भी हुए तो स्टिल यू वुड स्टिल सस्पेक्ट टू बी इन्फेक्टेड विद COVID-19। तो देखिए उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, और यानी इसमें सारी दुनिया ही समझ लीजिए कि वैक्सीन के चक्कर में लगी हुई है, लेकिन जितनी हमारे पास एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन हैं भी वो भी जो है 40% एफिकेशियस हैं और 60% सक्सेस रेट होता है। आप देखिए बहुत सी ऐसी चीजें बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन हमने आज तक नहीं डेवलप कर पाए। बिल्कुल सही। तो उसमें ये है कि होप्स यही है कि हम लोग जो है वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें कि जिसकी वजह से वी फाइट दिस इंटरनली, खुद से इसकी जंग को जीते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो ये जो नए वायरसेस आएंगे कोल्ड फ्लू के साथ, होपफुली ये उसको भगा रहे हैं कोविड को, बिकॉज ये वायरसेस दे आर मच मोर फास्टर, मच मोर एफिकेशियस, और ये फौरन ही कार यानी फर्मा हो जाते हैं। कोविड नॉर्मली टेक्स 10 days, 14 days फॉर इट टू लॉज ऑन। तो उसमें देखिए यानी होप्स तो हैं, बट लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अब देखिए हमारे अल्बर्टा में 60% से ज्यादा लोग समझते हैं कि ये मास्क वगैरह ये सब बेकार है, इसकी कोई फायदा नहीं। तो वो बिल्कुल यानी जैसा तो बॉर्डर की मेंटेलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन ये कि अगर लोग एहतियात करें एंड देन दे टेक प्रिकॉशंस, मगर उसके देखिए और भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, तो एक तो साइकोलॉजिकल है, एक मेंटल इम्पैक्ट है, और दूसरा ओवर सैनिटाइजेशन जो है ये हमें ससेप्टेबल कर देती है फ्लू से फाइट करने के लिए और दूसरे जरासीम से लड़ने के लिए। तो हमारी इम्यूनिटी उससे सप्रेस हो जाएगी, और जो सप्रेस हो जाएगी तो वो COVID-19 खुदा न खास्ता अगर किसी को होता है तो वो वेंजेंस के साथ आएगा। उसके पास आपके पास जो रेडार जो है वो दिफाई निज़ाम आपका वो अलर्ट के ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज में जो वैक्सीन ट्रैकर है उसको मैं देख रहा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रैकर उसमें 27 जो हमारे पास जो वैक्सीन हैं वो फेज वन के अंदर है, 27 वैक्सीन टेस्टिंग सेफ्टी एंड डोसेज, ठीक है जी। और फेज टू के अंदर जो है वो तकरीबन 15 जो है वो कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज जो है वो फेज टू के अंदर उसका जो है वो ट्रायल कर चुकी हैं। फेज थ्री के अंदर 9 कंपनीज ऐसी हैं कि जो फेज थ्री में जो है वो अपना ट्रायल कर रही हैं, और बहुत ही लिमिटेड जो कंपनीज हैं वो तकरीबन फेज थ्री के बाद भी थोड़ा सा आगे भी कुछ वो टेस्टिंग कर चुकी हैं। तो ये कुछ जो ऑनलाइन ट्रैकर है उसके ऊपर मैं देख रहा था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इनके ट्रायल जो है फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री जो है, तो ये हम ये समझें कि एट सम पॉइंट
मतलब नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर जनवरी तक अगर हम एक्सपेक्ट करें कोई वैक्सीन मार्केट के अंदर आने के कुछ चांसेस हैं? देखिए वैक्सीन तो वैसे रशिया ने कहा है, उन्होंने मार्केट में डाल दी है, चाइना ने कहा है, लेकिन मसला ज्यादातर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 में जाके फ्लॉप होती हैं, और उसमें जो है आपको इनफ नंबर ऑफ पेशेंट चाहिए कि आपने उनको फॉलो अप किया हुआ हो, आपने उनको बाकायदा से टेस्ट किया हुआ हो। तो अभी सिवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट सिर्फ 3% होते हैं जिनको, यानी आप समझ लीजिए कि, तो उसमें एक तो ये बड़ी मुश्किल है, और फिर ये है कि जब फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल चली जाती है तो जो बाकी कंपनियां फेज 1 फेज 2 में होती हैं वो बैक ऑफ हो जाती हैं, कहेंगे बात कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सही, वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। तो अगर वो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट जी, अगर वो आगे वाली ड्रॉप आउट हो जाए, वो फ्लॉप हो जाए, तो आपके पास पीछे से जो मोमेंटम था दैट हैज रियली गॉन, क्योंकि जो भी कंपनी बना लेगी वो उस पर पैटर्न कर देगी, और जो पैटर्न कर दिया तो नो वन एल्स कैन एक्चुअली कम इनटू दैट टेरिटरी। अभी तो ये इसको समझ नहीं है कि लंदन मैराथन है, सब लोग भाग रहे हैं, आपको पता नहीं कौन जीतेगा कौन गिरेगा किसको क्या होगा। बिल्कुल सही, मोमेंट यू हैव 5 फ्रंट रनर्स एक्चुअली चेंजेस। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मतलब एक रेस लगी हुई है, तो उस रेस में मतलब ये है कि अगर कुछ कंपनीज फ्रंट लाइन पे आ जाएंगी तो वो मतलब जीत जाएंगी, और बाकी जो है पीछे से बैक आउट कर जाएंगी, फिर उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं होगी। जी, तो उसमें ये है कि वो अपना पैटर्न फाइल उन्होंने जब कर लिया, अपनी प्रोटेक्शन है उनकी, तो कोई भी बिजनेस या इस इंडस्ट्री के अंदर वो उनको 10 साल की लिमिट दे देता है कि नो वन कैन एक्चुअली प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जाहिर है वो कहेंगे कि हमने बिलियन डॉलर्स पे खर्च किया, वी हैव टू रिकूप आवर मनी, एंड दैट विल टेक 10 इयर्स फॉर अस टू रिकवर आवर मनी, एंड देन इट इज ओपन। जैसे एस्पिरिन थी आपकी, देखिए ना, बायर बेयर वालों ने बनाई थी, अब वो अब हर एक कोई बना सकता है उसको। बिल्कुल सही, जो रिस्ट्रिक्शंस पैटर्न की वजह से होती हैं वो भी मार देती है, क्योंकि देखिए असल में होता ही है कि लोग ये नहीं समझते कि दवा जो है वैक्सीन है ये मरीजों के लिए, इंसानों के लिए, मुनाफे के लिए नहीं है। लेकिन जब मुनाफे ही को अपने मद्देनजर बना देता है तो फिर उसमें से अल्लाह शिफा भी ले लेता है। लेकिन सर एक चीज ये बताएं कि देखें, अगर यही वाला अगर इसी अगर फॉर्मूले को लेकर चला जाए तो इसका मतलब फिर वैक्सीन इनिशियली अगर किसी एक कंपनी ने अगर उसको बना भी दिया, उसके सारी उसको अप्रूवल भी मिल गई, तो फिर वो मार्केट के अंदर एक तो लिमिटेड वैक्सीन आएगी और उसकी लिमिटेशन की वजह से वो बड़ी एक्सपेंसिव होगी, और तीसरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये होगा कि वो उसको आप पूरी दुनिया के अंदर एकदम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस तो पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन वैक्सीन को आप एकदम फिर फैला नहीं सकते, क्योंकि कुछ गरीब कंट्रीज जो हैं, जिसमें अफ्रीका है, जिसमें एशिया है, वो कंट्रीज तो इनिशियली फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगी इसको। जी बिल्कुल, देखिए यही बात है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने पैसा पुल आउट किया है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो यही था जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुल्क थे उनकी सपोर्ट के लिए था कि उनको आप वैक्सीन डेवलप करे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो अब मसला ये है कि ये पहले तो ये अपने ही लोगों को देंगे और बाकी जो है वो 6 महीने तक बाकी लोग तो सफर करते रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन की प्रोडक्शन इतनी बनानी, फिर उसकी डिलीवरी, फिर उसकी पूरी दुनिया के, और पूरी दुनिया में तो देखिए ना एक अजीब मसला होगा। फिर ये मुसीबत ये कि वायरस म्यूटेट भी कर रहा है, ऐसा ही 30% म्यूटेट कर देता है, तो यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू गो। और बल्कि इवन हमने ये भी सुना है कि ये जो सेकंड वेव आ रही है सर्दियों के अंदर, फिर एक और वेव चलने वाली है, उसकी वजह से पता नहीं और कितना ये स्प्रेड होगा। जी तो इसमें देखिए ना ये कंबाइन हो जाएगा, वो बिल्कुल जैसे मुर्गाबी को मारने वाले छर्रा होता था, वो छर्रे तो छोटे होते थे लेकिन उसके अंदर जो है ना वो 300-200 के करीब छोटी छोटी पैलेट्स होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो शॉटगन अप्रोच जो है वो फिर आपको मालूम नहीं है ये वायरस असली है, क्योंकि ये वायरस देखिए खुद तो कुछ नहीं है, इसकी कोई शनाख्त नहीं है। बिल्कुल सही, सेल्स को ये हाईजैक कर लेता है, ये उसी उन्हीं के ऊपर थ्राइव करता है, तो यही सारे वायरसेस यही काम करते हैं। तो ये जब खिचड़ी पक गई वायरसेस की, तो उसके लिए आपने अगर वैक्सीन बना भी ली, ये इसीलिए कंपनीज इंटेंशनली भी इसको डिले कर रही है कि जो फ्लू का सीजन निकल जाए तो देन वी हैव मच बेटर हैंडल ऑन ए पर्टिकुलर वैक्सीन। अब आपको पता नहीं है कि शंघाई वायरस आएगा, कौन सा वायरस आएगा। सही बात, और मेरा तो ये आइडिया है कि ये फ्लू वायरस इज एक्चुअली विल हेल्प अस
बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी वजह से आपको पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो आना शुरू हो गए हैं, हमने देखा है, और इस चीज़ को, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको टैकल करने के लिए क्या मतलब तदाबीर हो सकती हैं? देखिए ये तो यानी आप देखिए सुसाइड, क्योंकि आप देखिए एक और चीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमने ये भी देखा है कि कैनेडा के अंदर भी अभी ये जो सर्व था, ये जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को फाइनेंशियली दिया जा रहा था, तो वो भी अब सितंबर के अंदर ख़त्म हो रहा है, तो आपको पता है उसके ऊपर फिर फाइनेंशियली बड़ा एक जब बर्डन पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो मजीद जो है इस तरह के केसेस कैनेडा के अंदर भी आएंगे और बाकी दुनिया के ममालिक में भी हमने देखा है कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं। जी अब वो देखिए पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो वो पंजाबी में कहते हैं कि बांधरी से पैर सड़े तो उन्हें बच्चे हेठ ले लें, तो बंदरी के जब पांव जले तो वो अपने बच्चे नीचे लेके बैठ जाती है। तो ये जितने भी मुल्क थे, जैसे आपसे पहले भी कहा था कि एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू डी ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही, इनकी इकोनॉमीज हिट हुई हैं यूएस की, बड़े मुल्कों की। अब अगर ये कोरोना वायरस पे काबू पा भी लेते हैं तो आप देखिए 5 साल 10 साल तो इकोनॉमीज को रिकवर करने में लगेंगे। ऐसा ही इनकी कोशिश ये होगी कि जितनी भी इनकी रिसोर्सेज हैं, मनी है, टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ है, ये दूसरे मुल्कों को जो हैंडआउट देते थे, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसको थोड़ी सी इधर से मदद मिल जाती थी, इधर से मदद मिल जाती थी। अब देखिए हमारे अंदर जो आम वैक्सीनेशन है पाकिस्तान में, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन $1.2 बिलियन की सब्सिडाइज करती है। बिल्कुल सही। तो अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पैसा नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तान वगैरह को कहेंगे कि भाई अपना खुद आप बंदोबस्त कीजिए, आपका अल्लाह हाफिज है। तो इसलिए इन मुल्कों को चाहिए कि अपने अंदर जो है वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, अपनी रिसोर्सेज को बिल्ड करें ताकि ये खुद कफील हो सकें, इनको इसकी इजाजत नहीं होगी। देखें अब दुनिया जो है आज के बाद से, कोविड के बाद से, इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। Definitely. ये डी अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन के स्टेजेस से गुजर रही है दुनिया, और फिर इनको अपनी इकोनॉमीज की सबको पड़ गई है, तो ये दूसरों को तो बाद में तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये यूएस के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। ये बताइएगा कि एक तो आप क्या देखते हैं, आपकी भी बड़ी गहरी नजर होती है पॉलिटिक्स के ऊपर, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप दोबारा से वापस हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए इनको हराना बहुत मुश्किल है, और फिर लोगों का जो माइंड सेट है वो भी जो है इतनी तेजी के साथ चेंज नहीं चाहते। बराक ओबामा वाजंट डूइंग वेरी वेल बट ही दे स्टिल ब्रॉट हिम बैक, सो आई एक्चुअली सी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर ये ना भी जीता फेयर तरीके से तो अभी ये गुंडागर्दी से आ जाएगा, हो सकता है यूएस में मार्शल लॉ ही लगा देंगे इसको, इसके अच्छा कोई चीज मतलब आपने तो ये बड़ी सख्त बात कर ली है कि मार्शल लॉ तक जा सकता है। जी वो मेरी बात नहीं है, ये तो अभी यूएस में इन्होंने अनाउंस किया। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लोज एसोसिएट हैं उन्होंने यही कहा है कि हमें जो है मुल्क की सालमियत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे बेकार नाकारा लोगों को नहीं लाने देंगे, वी मे इवन इम्पोज मार्शल लॉ in the country to run. तो वो अगर हार भी गया तो वो सोल लूजर है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए अगर वो जीत जाता है तो उसके पास ये नार्सिसिस्ट है, ऐसे लोगों की ज़हनियत दो किस्म की होती है, अब तो वो कहेगा कि मेरे पास कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, नो बडी इज गोइंग टू, मैंने दोबारा तो आना नहीं है, मैं अब जो है ना वो जो कुछ किया है मैं उससे भी बदतर करके जाऊंगा, और जहाँ चाहेगा गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा। और दूसरी बात यह है कि या तो फिर वो दूसरा स्टेट बन जाएगा कि मैंने जो कुछ किया है वो उसको मैं अपने सत्यभाव कैसे करूँ। तो देखिए इसको हराना ऑलमोस्ट अमेरिका का माइंड सेट ऐसा है कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही। अच्छा अगर हार जी इसको अगर हरा भी दिया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रिजल्ट। मतलब आप ये समझते हैं कि मतलब काफ़ी मतलब एक क्रूशियल टाइम है यूएस के अंदर कि अगर हार भी जाता है डोनाल्ड जे ट्रंप तो वो वहाँ पर एक इस तरह का केओस क्रिएट कर देंगे कि लोग आपस में अफरा तफरी फैल जाएगी और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, आप ये समझ रहे हैं? जी वो अभी देख रहे हैं, वो उसी तरफ ये बिल्डअप तो हो ही रहा है। सही। अब देखे ना डेमोक्रेसी जो दुनिया की सबसे यानी आप ताकतवर डेमोक्रेसी थी उसका तो गला इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता घोटना शुरू कर ही दिया था। बिल्कुल। तो और अब आप ये सूरत हाल ये होगी कि अगर ये हार जाता है तो इसने अपने मोहरे ऐसे बिठा दिए हैं कि वो कहेगा कि ये जो बैलेट हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो ऐसी इन चीजें ढूंढ लेंगे कि वो इस रिजल्ट को जो है वो
एक्सेप्ट ही मत करें. ही कैन एक्चुअली गो एज फार एज इम्पोजिंग मार्शल लॉ इन यूनाइटेड स्टेट्स. That would not surprise me. तो सर अगर इसी आर्गुमेंट को हम आगे लेकर चलें, हम ये कहें कि ठीक है जी डोनाल्ड जे ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं, हम दोनों जो है वो एंगल से इस बात कर लेते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा दुनिया के ऊपर और स्पेशली कनाडा के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होगा? देखें दुनिया तो वैसे ही फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है. अब वो उन्होंने हर मुल्कों के साथ पंगे ले लिए, हमारे साथ नाफ्टा का पंगा ले लिया. लेकिन नहीं सर अभी नाफ्टा के साथ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन उन्होंने टैरिफ्स जो है उसमें कुछ रिलीफ दिया कनाडा को, ये जो एल्युमिनियम के ऊपर टैरिफ्स था उसमें जो है उसको. मैं वही कह रहा था कि जब इनको हमने थ्रेट किया तो ये बैक डाउन हुआ. जो जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनकी यही जो बुली है उसकी यही फिलॉसफी होती है. सही कि कोई स्टैंड ले ले उनके खिलाफ तो दे विल बैक डाउन. ठीक. तो वो इसी तरह से अगर चाइना ने भी स्टैंड ले लिया और दूसरे ममालिक ने भी स्टैंड ले लिया तो ही विल मोस्ट लाइकली बैक डाउन. क्योंकि देखिए जो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और इनकी जो वेजेस हैं, दे कैन नॉट सस्टेन देयर इकोनॉमी. कि जब तक वो चीप प्रोडक्ट इधर से ना ले लें इधर से ना ले लें, तो उसने जो है वो एक टफ बार्गेनर की तरह से इसने बार्गेनिंग की हुई है. पर यू नो एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल स्टार्ट टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट हिम. ठीक है, तो ये बताएं कि कनाडा के ऊपर आप समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, दोबारा से कनाडा को टफ टाइम दिया जाएगा जिस तरह नाफ्टा के अंदर हमने देखा है? जी देखिए वो उसमें अब इनको आहिस्ता आहिस्ता इनके एलाइज जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं. अब इनको यूएस के अंदर जो उनके स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनकी अपनी वो है, मेंटेनेंस है, ह्यूज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन, इनके ऊपर इम्पैक्ट चाइना के साथ जो इन्होंने बैड डील्स किए हैं या एम्बार्गो किया है, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा. तो अब इनके पास दो ही चॉइस रह जाती है कि चाहे एक तो कैनेडा के साथ इनकी यानी अपने जो इनकी ट्रेड्स हैं उसको मजबूत करें या फिर जो है मैक्सिको के साथ करें. ठीक है. तो वो दीवार विवार तो वो भूल जाएंगे उसके बाद से. इनको कनाडा के साथ मैं ये समझता हूँ कि इनके ताल्लुकात बेहतर ही होंगे क्योंकि ही हैज बर्न्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज ब्रिजेस. बिल्कुल सही है. अगर इन केस अगर ये नहीं जीत पाते, अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं कि दुनिया के ऊपर कोई डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई मतलब वो डिफरेंट तरीके से दुनिया को लेकर चलेंगे और कनाडा के साथ उनके रिलेशंस आप समझते हैं कि अभी जो रिलेशंस है इससे बेहतर रिलेशंस होंगे? देखिए जो चीज अमेरिका के लिए खराब है वो दुनिया के लिए बेहतर है. So, you know, whatever, I mean, he cannot be as bad, as worse, as irrational as Donald Trump is. Sahi. So, you know, it's a lesser of an evil, but we don't know much about him. Wo bhi bichara, I mean, us zindagi ke us age ke hisse mein pahunch gaya hai, aadhe marble kaam karte hain, aadhe nahi karte. Sahi baat hai, sahi baat hai. तो वो वाकई वो अपना ऑपोजिशन उनको यही आजकल कह रही है कि अभी उनका जो है रेस्ट करने का टाइम है, वो पॉलिटिक्स में किधर वापस आ गए. अच्छा सर आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. आपने देखा होगा रिसेंटली जो कनाडा के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने नए लीडर का इंतखाब किया अरिन ओटूल, और उनकी हमने ये भी देखा है कि उनकी हार्बर के साथ और जो आपके प्रीमियर हैं अल्बर्टा के जैसन कैनी के साथ बड़ी अच्छी उनकी ये रिलेशनशिप है. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आगे इलेक्शंस होंगे कनाडा में तो अरिन ओटूल जो है वो टफ टाइम दे पाएंगे जैसन ट्रूडो की हुकूमत को, अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनकी पार्टी को टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए ये तो पॉलिटिकल, अब ये इनकी ये तो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं जितने भी आपने नाम लिए हैं. जी जी. तो ये इनकी आइडियोलॉजी फिलॉसफी पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मिलता है. सही. तो अब ये एक्सट्रीम समझ लीजिए, राइट विंग से थोड़ा सा इन समझ लें आप. लेकिन ये है कि यू नो अगर कोई भी अगर इलेक्शन नेक्स्ट साल भी होते हैं तो कोई भी इस वक्त अपने राइट माइंड में नहीं चाहेगा कि वो इलेक्शन जीते. ठीक है. क्योंकि दी इकॉनमी इज इन सच अ बैड शेप एंड जो भी आएगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेट ही पे करता रहेगा. वो डेट पे करने का मतलब ये होता है कि आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, आप इधर सख्तियां करेंगे, इधर कट करेंगे, उधर कट करेंगे, तो वो 5 साल के अंदर आपकी फिर छुट्टी हो जाएगी. चाहे तो यानी द बेस्ट चॉइस कनाडा के लिए यही है कि कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट. जस्टिन ट्रूडो. अच्छा.
to this stage and then hopefully try for the next part. Lekin ye ki ye bhi koi bright light nahi hai. It is not that koi isme koi aisa naya vision lekar aaye, wo old ideology, old philosophy. तो सर जगमीत सिंह के बारे में आप क्या समझते हैं, वो नहीं आ सकते क्या, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन सकते? No, I don't think he's mature enough. I don't think उनकी जो है वो पार्टी की सपोर्ट और बैकिंग इतनी होगी. But you know, if he stayed and he convinced people, क्योंकि देखें यहाँ पे भी अभी भी रेसिस्ट एलिमेंट तो है. यहाँ पे औरत तो बन सकती है, यहाँ पे कलर्ड पर्सन का प्राइम मिनिस्टर बनना अभी हमारे यहाँ इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है. But he has, you know, he is a good guy, he is doing good stuff, he has to really stay put. और वो ये कि जस्टिन ट्रूडो ने भी कई बेवकूफियां की हैं. You know, he made a bad move, which is really, I just cannot fathom कि इतने बड़े sensible politics के अंदर आने के बाद भी है ना आप इस किस्म की मिस्टेक्स कर सकते हैं. But you know, it happens in politics. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आपने हमें कैलगरी से ज्वाइन किया था, डॉक्टर नवीद सैयद, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, आपने हमारा शो देखा, इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है. आपको कोरोना वायरस के हवाले से भी अपडेट दी है, ओंटारियो के अंदर जो कुछ हुआ है रिसेंटली, जो नए मरीज जारी हुए हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर किया, US की जो पॉलिटिक्स है उसको भी आपके साथ हमने शेयर किया कि US के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप, जो हमारे तजिया निगार थे नवीद सैयद साहब, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड जे ट्रंप के जीतने के ज़्यादा चांसेज है एज़ कम्पेयर टू जो बाइडन. तो ये हमारी कुछ गुफ्तगू थी, आपके सामने हमने रखी है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में फिर नए पैनल के साथ नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हैप्पी वीकेंड.